हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण को पढ़ने वाले हैं। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसके अलावा अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार का तनुकरण। इसके अलावा अम्ल और क्षार के जो विलयन है वो कितने प्रबल होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है और पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार का तनुकरण। तो देखिए, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि अम्ल को हमेशा किस में मिलाया जाता है, जल में। तनुकरण करते समय अम्ल को किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, अम्ल को हमेशा किस में मिलाया जाता है, जल के अंदर मिलाया जाता है, जल को कभी भी अम्ल के अंदर नहीं मिलाया जाता। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अम्ल और जल की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से यदि हम अम्ल के अंदर जल मिलाएंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। जिससे हो सकता है कि जिस पात्र में आपने अम्ल के अंदर जल को मिलाया है वो पात्र टूट सकता है। इसके अलावा अम्ल जो है वो उछल करके आपके शरीर पे गिर सकता है, तो ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक है। तो याद रखें, अम्ल को हमेशा किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। तो देखिए, जब अम्ल को हम जल में मिलाएंगे तो प्रति इकाई आयतन में H+ आयन में क्या आती है, कमी आती है। याद रखें स्टूडेंट, जब हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो प्रति इकाई आयतन में H+ आयन में क्या आएगी, कमी आएगी। इसी को बोला जाता है अम्ल का तनुकरण। इसी प्रकार हम यदि क्षार को जल में मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में OH- आयन में क्या आती है, कमी आती है। इसे हम किसका तनुकरण कहेंगे, क्षार का तनुकरण। तो याद रखें, अम्ल को जल में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में H+ आयन में कमी होती है। इसी प्रकार क्षार को जल में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में OH- में क्या होती है, कमी होती है। इसे कहते हैं अम्ल और क्षार का तनुकरण। आगे हम बात करें अम्ल और क्षार के जो विलयन हैं वो कितने प्रबल होते हैं। तो देखिए, यदि किसी अम्ल के अंदर H+ आयन जो है वो क्या है, अधिक है, H+ आयन क्या है अम्ल में, अधिक मात्रा में है, तो वो अम्ल क्या होगा, उतना ही अधिक प्रबल होता है। यदि अम्ल में H+ आयन अधिक होते हैं तो वो अम्ल क्या होता है, प्रबल होता है, और यदि H+ आयन अम्ल में क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वो अम्ल कैसा होता है, दुर्बल होता है। इसी प्रकार हम यदि क्षार की बात करें तो यदि क्षार में OH- आयन क्या है, अधिक है, तो वो क्षार क्या होगा, प्रबल क्षार होगा, और यदि क्षार के अंदर OH- आयन कम है तो वो क्षार कैसा होगा, दुर्बल क्षार होगा। इसको जानने के लिए कि अम्ल प्रबल है या फिर दुर्बल है, क्षार प्रबल है या फिर दुर्बल है, इसको जानने के लिए हम एक पैमाने का यूज करते हैं और उस पैमाने का नाम है पीएच स्केल। यानी कि किसी भी विलयन के अंदर, किसी भी अम्ल के अंदर कितने H+ आयन है उसको ज्ञात करने के लिए हम एक पैमाने का उपयोग करते हैं और उस पैमाने को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। इस पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 14 तक, यानी कि 0 से लेकर के 1, 2, 3, उसके बाद में 4, 5, 6, 7 और आगे कहाँ तक,
14 तक इस स्केल पे मान अंकित होते हैं। यदि किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच है तो वो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। उस विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो विलयन कैसा होता है स्टूडेंट? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। जैसे हम बात करें शुद्ध जल की, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो क्या होता है? 7 होता है। तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। आगे हम बात करें, अभी हमने देखा कि यदि अम्ल में H+ आयन ज्यादा होते हैं, H+ आयन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो वो अम्ल कैसा होता है? प्रबल होता है। यदि किसी अम्ल में H+ आयन, जितने H+ आयन अधिक होंगे वो अम्ल उतना ही क्या होता है? प्रबल होता है, और उसका पीएच मान जो है वो उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यदि किसी अम्ल के अंदर H+ आयन ज्यादा होते हैं तो वो अम्ल कैसा होता है? प्रबल होता है, और उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी कि किसी अम्ल का पीएच मान यदि 0 के नजदीक होता है, 1 होता है 2 होता है, तो वो अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। और इसी तरह से हम देखें कि यदि किसी क्षार में OH- आयन क्या है? ज्यादा है, तो वो क्षार कैसा होगा? प्रबल क्षार होगा, और उसका पीएच मान जो है वो उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि यदि किसी क्षार का पीएच मान 14 के नजदीक होता है तो वो क्षार क्या होता है? प्रबल होता है। कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, आपके आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हमारे स्टोमक में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है? 1.2 होता है। इसी तरह से हम बात करें नींबू के रस की, तो नींबू के रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 2.2 होता है। इसी तरह से हम क्षार देखें, तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 10 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसका पीएच मान क्या होता है? 10 होता है। तो देखिए 14 के नजदीक नहीं है, इसलिए कैसा क्षार हो गया? दुर्बल क्षार हो गया। बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 14 होता है। यानी कि NaOH क्या है? एक प्रबल क्षार होता है। तो ये कुछ उदाहरण आप यहां से नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करें पीएच की दैनिक जीवन में क्या महत्व होते हैं। तो पीएच जो होता है, पीएच स्केल जो है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, क्या महत्व होते हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि पशु होते हैं या फिर जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो पीएच के प्रति किस तरह से संवेदनशील होते हैं। एनिमल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या जीव जो होते हैं वो पीएच के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील होते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, हमारा जो शरीर होता है वो किस पीएच परास के बीच काम करता है? 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। इससे कम पीएच पर जीवों की जो उत्तर जीविता है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा। देखिए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा क्या होती है? यदि वर्षा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मौजूद होते हैं, तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। आपको याद होगा पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि धातु के ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। लेकिन अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर अधातु है,
नाइट्रोजन अधातु है तो इनके ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो यदि वर्षा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यदि उपस्थित है तो उस वर्षा को हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो क्या होता है? देखिए, यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 या उससे भी कम होता है तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। और जब कभी अम्लीय वर्षा होती है तो इसका जो पानी होता है वो नदियों में जाता है या फिर तालाबों के अंदर जाता है। तो जैसे ही पानी जो है वर्षा का वो तालाबों में जाएगा या फिर नदियों में जाएगा तो नदियों या तालाबों का पीएच मान भी क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से उसमें जो रहने वाले जलीय जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे हमने पशु जो है वो किस तरह से संवेदनशील होते हैं पीएच के प्रति, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे मिट्टी की जांच में पीएच की क्या भूमिका होती है। तो सेकेंड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मिट्टी की जो जांच होती है उसमें पीएच की क्या भूमिका होती है। देखिए, मिट्टी की हम बात करें तो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये आप सभी जानते हैं कि अलग अलग पौधे जो होते हैं वो अलग अलग मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अम्लीय मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्षारीय मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं। यदि हम अपने खेत की मिट्टी की पीएच की जांच कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी पीएच कितनी है, उसमें किस तरह की फसल हम उगा सकते हैं। यदि आपके पीएच मान जो है वो अम्लीय प्रकृति का आता है तो उसमें हम वो पौधे उगाएंगे जो अम्लीय मिट्टी के अंदर अच्छी पैदावार देते हैं। और यदि आपके मिट्टी की जो पीएच है वो क्षारीय प्रकृति की आती है तो उसमें हम वो पौधे उगाएंगे, वो फसल उगाएंगे जो क्षारीय मिट्टी के अंदर अधिक उपज देती है। तो ऐसा करके हम अधिक उपज क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें दंत छे की, तो देखिए दंत छे क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दंत छे किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखें स्टूडेंट, आपके मुंह के अंदर जो लार होती है, सलाइवा होता है, उसका पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है। हमारे मुख की जो पीएच है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, लार जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, इसका पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है। जब कभी हम अम्लीय खाना खाते हैं तो पीएच मान क्या होता है? कम होने लगता है। यदि हमारे मुंह की पीएच 5.5 या उससे भी कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे मुख से दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा हमारे दांतों पर एक सफ़ेद रंग की परत होती है जिसको हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? दांतों का इनेमल। इसका सूत्र भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। ये किसका सूत्र होता है? दांतों के ऊपर जो सफ़ेद रंग की परत होती है इनेमल, उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। तो देखिए, यदि आपके मुंह की पीएच 5.5 या उससे भी कम होती है तो ऐसी स्थिति में आपके दांतों की जो परत होती है इनेमल, ये खराब होने लगती है। इसको ही क्या कहा जाता है? दंत छे कहा जाता है। और इससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऐसे टूथपेस्ट, ऐसे दंत मंजन जिसमें क्या होता है? क्षार होता है, क्षार वाले दंत मंजन का हम उपयोग करेंगे, जिससे ये जो क्षार है वो आपके मुंह के अंदर जो अम्ल बना है, जो एसिड बना है, उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा और आपके मुंह से जो दुर्गंध है वो क्या होती है? गायब हो जाती है। आगे हम बात करें पाचन में पीएच की भूमिका, पाचन के अंदर पीएच की क्या भूमिका होती है। तो ये आप सभी जानते हैं कि हमारे स्टोमक में, हमारे आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और जब कभी एपच होता है, एपच के दौरान हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसी को बोला जाता है एसिडिटी, यानी कि एपच के दौरान
हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होना, बढ़ना, क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाता है। और इससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? एंटी एसिड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? एंटी एसिड का उपयोग करेंगे। और एंटी एसिड के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे? दुर्बल क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, कुछ पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से हम किस प्रकार से आत्मरक्षा कर सकते हैं? कुछ कीट होते हैं, कुछ पशु होते हैं, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनसे एसिड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, बाहर निकलता है। तो उनसे हम अपनी आत्मरक्षा जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे हम देखें मधुमक्खी, तो देखिए मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और मधुमक्खी के डंक मारने पर जिस स्थान पे मधुमक्खी ने डंक मारा है उस स्थान पे हमें क्या होता है? जलन महसूस होती है। इससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? क्षार का उपयोग करेंगे। जिस जगह पे मधुमक्खी ने डंक मारा है उस जगह पे हम यदि बेकिंग सोडा रगड़ेंगे, किसको रगड़ेंगे? बेकिंग सोडा को रगड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपका फॉर्मिक एसिड और ये क्या है? क्षार होता है। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है वो कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इससे जलन में क्या होता है? आराम मिलता है। आगे हम बात करें प्रकृति हमें किस तरह से उदासीनीकरण के विकल्प प्रदान करती है। प्रकृति जो है उसमें हमें किस तरह से उदासीनीकरण के विकल्प जो है वो प्राप्त होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा नेटल के पौधे का। नेटल के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें पतले पतले बालों जैसी संरचना होती है और उन संरचनाओं में कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक एसिड। कौन सा अम्ल होता है स्टूडेंट? मैथेनोइक एसिड होता है। और इसकी पत्तियों को टच करने पर हमें क्या होता है? जलन होती है, क्योंकि ये मैथेनोइक एसिड जो है वो हमारी स्किन में चला जाता है, हमारी त्वचा में चला जाता है, जिससे हमें क्या होता है? जलन होती है। लेकिन इस नेटल के पौधे के पास ही एक पौधा होता है, डोक पौधा, डोक प्लांट, जो प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है। यदि जहाँ पे आपने नेटल के पौधे को टच किया है उस जगह पर यदि डोक पौधे की पत्ती को क्या करेंगे? रगड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है, क्योंकि ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।